अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि मसला आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम मिलेगा और ये मसला बहुत ही कम लोगों को मालूम है। वजह यह है कि इस मसले का तज़करा बहुत ही कम लोगों तक होता है। आखिर वो मसाला क्या है, इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी तरीके का मसाला जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। वो मसाला ये है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम लोगों को मालूम है, लिहाजा आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, वो मसाला ये है कि अहकाम शरीयत हिस्सा दोम में ये मसाला मौजूद है और दुर्र मुख्तार में भी ये मसाला मौजूद है। आप चाहेंगे तो मुताला भी कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, वो मसाला क्या है? वो मसाला ये है कि अगर कोई बाजारी औरत का बेटा, इट मीन्स अगर तवाइफ का बेटा जिसकी परवरिश इल्म में हुई हो और उसका रुझान और उसका दिलो दिमाग अक्सर औकात वो इल्म की तरफ माइल हो और वो आलिम बन गया हो, तो क्या उस आलिम के पीछे जो कि बाजारी औरत का बेटा है, इट मीन्स तवाइफ का बेटा है और वो आलिम है, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या फिर नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है, हमें ये जानना चाहिए और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अहकाम शरीयत हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 142 पर तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी बाजारी औरत का बेटा जिसकी परवरिश इल्म में हुई हो और वो आलिम बना हो तो वो बिल्कुल नमाज पढ़ा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हाजरीन में जहाँ पे वो नमाज पढ़ा रहे हों, हाजरीन में जो है उनसे ज़्यादा कोई भी नमाज के मसाइल और तहारत के मसाइल, मतलब दीनी मसाइल में उससे ज़्यादा कोई भी ना हो, तो इस सूरत में वो आलिम, मतलब बाजारी औरत का बेटा जिसके बाप का कोई पता नहीं है, तो वो शख्स, वो आलिम बिल्कुल नमाज पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आप इस मसले को अगर पढ़ना चाहते हैं तो अहकाम शरीयत 142 पर मौजूद हैं और दुर्र मुख्तार में भी मौजूद हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इसी तरीके के मसाइल को जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर उस मसले को पूछें, इंशाअल्लाह माकूल और दलाइल के साथ जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।